नौजवानों नूं नशा तो बचाउण अते सिखी सरूप नाल जोड़न लई नौजवान सेवा सुसायटी पिंड हुसनूर वल्लों लगाया गया दस्तार सिखलाई अते दस्तार मुकाबला कैंप। इस संबंध विच जानकारी दिंदे होए क्लब मैंबर भुपिंदर सिंह अते माधोदास ने दस्सिया कि गुरद्वारा साहब विच पिछले 10 दिनां तों दस्तार सिखाई जा रही सी, जिस विच 5 साल तों लैके 15 साल तक अते 15 साल तों लैके 50 साल दे व्यक्तियां ने भाग लिया सी। गुरद्वारा साहब विच दस्तार मुकाबला करवाया गया है। पिछले तकरीबन 3 महीनों तों गुरु घर विच वीट ग्रास की सेवा चल रही है, जिस विच हजारां की गिनती विच संगत पहुंची ते उन्हां ने वधेरे लाभ उठाया। दस्तार सिखलाई लगाउण दा मतलब सारे नौजवानों नूं सिखी नाल जोड़ना ते नशे तो दूर रहना है। पिंड हुसनूर तहसील गिदड़वा जिला श्री मुक्तसर साहिब, अज श्री अमृतसर साहिब गुरद्वारा साहिब दे विच जो तुसीं प्रोग्राम देखिया है तां इहदे विच पिछले 26 तरीक तों लै के 6 तरीक तक दस्तार सिखलाई कैंप लाया गया सी। अज बच्चों का ते उस तो वड्डी उम्र दे 5 साल तों लै के 15 साल तक के बच्चे दे 15 साल तों लै के 50 साल तक के बच्चों ने ये कंपीटिशन दे विच हिस्सा लिया। तो अज उहदे जिहड़े दस्तार मुकाबले कराए गए ने, ये दस्तार मुकाबले असी 1 दसंबर 2020 तो लैके 7 मार्च 2021 तक एक साड़ी वीट ग्रास की सेवा जी लंबे समय तो निरंतर तो निर्विघन जी चलती आ रही थी। वो पिछले साल साढ़े को वीट ग्रास की सेवा के लगभग 65,000 जोड़ा व्यक्ति पेशेंट संगत के रूप के साढ़े को लाहा लेके गया जी। नौजवान सेवा सोसायटी का जोड़ा उपराला आनंद माण के गया जी। इस बारी भी 1 दसंबर 2021 तो लैके 1 दसंबर 2021 तक मार्च के महीने तक हूँ अज समाप्ति की है वो। अज जिहड़ा मुकाबला सीगा दस्तार का, ये पार्टीसपेशन लगभग 60 तों 70 बच्चों ने हिस्सा लिया जी। तो मैं परमात्मा अगे अरदास करता है, तो बेनती भी करता है सारी नौजवान पीढ़ी के चरणों के आप सारे सिखी सरूप के नाल जुड़ना चाहिए। अज जिहड़ा ये नौजवान सेवा सोसायटी के राही जो उपराला किया गया है, तो साढ़े नगर के सारे नगर ने बहुत शलाघा की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ वीर का। इस दस्तार सिखलाई मुकाबले के सैमीनार भी रखा सी, उस प्रोफेसर रिशपाल उप्पल जी पंजाबी गायक उन्होंने भी शिरकत की है, और प्रोफेसर जसविंदर बराड़ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दौन उन्होंने भी आपके जोड़े विचार है नशे के मुद्दा से जोड़ा वो अज सारी संगत के नाता है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता, धन्यवाद करते प्रेस वाले वीर का जिन्होंने साढ़े नवाणे जे उपराले संगत के रूप करना है। तो मैं बेनती और अज जो उपराला है सब तो व्डा यह है कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दरबार बख्शे के सदका पिंड हुसनूर की नौजवान सेवा सोसायटी जो रजिस्टर्ड है बड़े लंबे समय तो संगत की सेवा करती है वक् वक् पड़ावों के जिते इन्हों का वीट ग्रास की सेवा बड़ी व्डे पद्धर से चल रही है उत्थे नाल ही जिते होर अनेक कार्ज करद हो इन्होंने एक दोबारा फिर जो पहला लंबे समय तो चल रहा कार्ज वो ऐड होंगे इस मार्च तक जो फिर इन्होंने वीट ग्रास की सेवा की उस लड़ी तहत दस्तार जो सिखलाई का कैंप चलाया गया जिसकी सेवा सानू दी गई। असी पिछले 10 दिन तो लगातार पहला दस्तार सिखाई बच्चों नौजवान वीर भी सी बच्चे भी सी बजुर्ग भी सी 100-150 के करीब संगत आँदी सी जिसे जो सर्ट पैंट रहता अच्छ कंपीटिशन भाग लिया वो तहत कंपीटिशन करवाया गया और उस कंपीटिशन के फर्स्ट सैकंड जोड़े बच्चे आए उन्होंने विशेष सम्मान भी दिता जाऊगा उन्होंने उत्साह बढ़ाने वास्ते जो कि विरसे के नाल जुड़े जा सके। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पार बख्शे के सदका अज बड़े नौजवान वीर ने दस्तारा सीखिया तो अच्छ अपने कंपीटिशन शामिल होए। अज का जो सारा प्रोग्राम है ये बाहरों लैक्चर भी बुलाए गए जिन्होंने आके इतने वक् वक् विषयों के उपर अपने भाषण दिते, पर जो दस्तार का है मुढ़ला कार्ज सीगा वो निपले चढ़िया अज्ज और सानू इस गल की बड़ी खुशी है और असीं नौजवान सेवा सोसायटी जो हुसनूर है उन्होंने बधाई दें। तो साढ़े भाई तारू सिंह यूथ दस्तार सिखलाई क्लब है जो वो वालों भी इन्हों बधाई देते धन्यवाद करते हैं। मौजूदा हालातों पर नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह बीमारियों जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाने लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है फीर लीफ पावर जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है जिमें मरदाना कमजोरी अंतरियां दी सोजिश पेशाब विच जलन दिल की कमजोरी खून की कमी
ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784484084।